पंजाब का वजीर आला कौन, फैसला कल होना है। आज शाम 5 बजे कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज और सुन्नी इतिहाद काउंसिल ने राना आफताब अहमद खान को वजारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। खबर की दीगर तफसलात देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच, हमारे नुमाइंदे। सईद बलोच, आगाह कीजिएगा, कल रायशुमारी होनी है, आज कागजात जमा किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है पंजाब असम्बली में? जी, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज 5 बजे तक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ जो हैं वो कैंडिडेट हैं, जबकि सुन्नी कौंसिल हाद की तरफ से राना आफताब अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, गजाली भट्ट और समीउल्ला खान और दीगर जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं पंजाब असम्बली में। वो मरियम नवाज़ की जानिब से वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जबकि सुन्नी कौंसिल इतिहाद के जो नामजद उम्मीदवार राना आफताब अहमद खान हैं वो भी अपने दीगर रहनुमाओं के साथ पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं, तो वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। 5 बजे तक का वक्त है, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं, उनके पास ये कागजात जमा करवाए जा सकेंगे। और 5 बजे के बाद नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, तफसीलात दी।